नियमितीकरण की मांग को लेकर कोंडागांव जिले में 326 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएचओ को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। संविदा कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी से पूर्व मंत्री लता ओसैंडी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों से वादा खिलाफी की है। कांग्रेस को संविदा कर्मचारियों की मानसिक पीड़ा को समझना चाहिए। लता ओसैंडी ने विधायक मोहन मरकाम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोहन मरकाम ने चुनाव के 10 दिनों के अंदर नियमित करने का वादा किया और अब 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी मांग को लेकर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज 2 साल होने जा रहा है लगातार एनएचएम के सारे कर्मचारी, प्रांतीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी सरकार के लोगों से लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, टीएस सिंहदेव जी से, भूपेश बघेल जी से ये भी हम लोगों को पता लग रहा है कि मिलने से भी इनकार कर दिया जा रहा है। कोरोना काल में मलेरिया का टेस्ट हुआ, कोविड-19 का टेस्ट में लगातार लगे हुए, तो निश्चित तौर पर इस तरह से जब सेवाएं ये दे रहे हैं, इनकी मानसिक पीड़ा को भी सरकार को समझनी चाहिए। मोदी